भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हमारे देश के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 के संबंध में एक बड़ा फैसला आज सुनाया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने धारा 370 के सुनवाई के बाद अपना अंतिम निर्णय फैसला दिया है। ये जम्मू कश्मीर के संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय। साथियों, हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर समाज के अलग अलग वर्गों के साथ हमेशा छल कपट हुआ। जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले जो ट्राइबल्स हैं, गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिपी, 70 साल उनको धारा 370 के कारण उनके अधिकार नहीं मिले। जम्मू कश्मीर के अंदर जो ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं, जिसमें हाजी, तेली, हजाम, नाई, मरकमान, लोहार, तरखान, प्रजापति, जाट समुदाय के भाई बहन, उनको उनके अधिकारों से 70 साल वंचित रखा गया। जम्मू कश्मीर के अंदर पश्चिम पाकिस्तान से 1947 में विभाजन के बाद जो यहां विस्थापित आए, उनको नागरिकता तक नहीं दी गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विस्थापितों के साथ अन्याय हुआ। और इसके साथ साथ हमारे देश के संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधानों को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने दिया गया था। एंटी करप्शन कानून यहां लागू नहीं थे, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1989 लागू नहीं किया गया। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया गया था। यहां राइट टू एजुकेशन से जम्मू कश्मीर के बच्चों को वंचित रखा गया। ऐसे अनेक कानून थे जो कि देश भर में लागू थे, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता तरसती रही कि ये कानून यहां लागू किए जाएं, लेकिन धारा 370 की आड़ में ये सभी कानून यहां लागू नहीं किए गए थे। उसके उपरांत पूरे देश के अंदर जो पंचायती राज सशक्तिकरण था, कभी यहां जिला परिषद का गठन नहीं होने दिया गया, कभी डीडीसीज, बीडीसीज का इलेक्शन यहां नहीं होने दिया गया था, लेकिन धारा 370 की समाप्ति के बाद अब जम्मू कश्मीर के अंदर गुजर, बकरवाल, पहाड़ी कबीले के लोग, गद्दी, सिपी, ओबीसी कम्युनिटी के लोग, पश्चिम पाकिस्तान से आए विस्थापित पीओजेके के रेफ्यूजीज, विस्थापित समाज के जो दलित वर्ग के हमारे भाई बहन हैं, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज से ताल्लुक रखते हैं, आज उनको जम्मू कश्मीर में अधिकार मिले हैं। आज वो भी भारतीय नागरिक की तरह, देश के संविधान ने जो उनको अधिकार दिए हैं, उन मूलभूत अधिकार समाज के हर वर्ग को मिले हैं। ये एक बहुत बड़ा न्याय के साथ साथ राष्ट्रीयता का भी विषय था, जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था
एक भारत श्रेष्ठ भारत, आज उस संकल्प को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रमाणित कर दिया है। आज जम्मू कश्मीर के हर वर्ग को, वो हिंदू हैं या हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, सिख हैं या ईसाई हैं, जम्मू के हैं या वादी कश्मीर के हैं, गुजर बकरवाल पहाड़ी विस्थापित रेफ्यूजीज ओबीसीज हो, समाज के हर वर्ग का भला हुआ है। और सबसे बड़ी बात, आज जम्मू कश्मीर खुशहाली और अमन के रास्ते के ऊपर आगे निकल चुका है। आज जम्मू कश्मीर के गांव गांव और शहर शहर में जबरदस्त डेवलपमेंट हो रही है। केंद्र सरकार की हर पॉलिसी हर नियम आज जम्मू कश्मीर में लागू हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना से करोड़ों गरीब लोगों के मकान बनाए जा रहे हैं। आज किसान सम्मान निधि गरीब किसानों के खाते में डायरेक्ट उसका लाभ हो रहा है। आज गोल्डन कार्ड आयुष्मान भारत की योजना का लाभ जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक ले रहा है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो गरीब और ट्राइबल